नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ड्राइंग प्रैक्टिकल लेक्चर है अभी। टेक आउट योर आर्ट बुक। इन योर इंडेक्स पेज एट, नंबर एट में आप लिखेंगे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कार्विंग ऑन स्टोन, और आज की डेट जो है वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कार्विंग ऑन स्टोन, ठीक है, इंडेक्स के पेज में लिखेंगे। टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कार्विंग ऑन स्टोन। पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन ही आपको सामने वाले पेज पर बनाना है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मतलब कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए सारे, स्केल, कंपास यानी कि राउंडर, प्रोटेक्टर वगैरह वगैरह, जो प्लास्टिक के भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो सारे चाहिए। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाने में बिल्कुल मेजरमेंट सही सही चाहिए, एंगल या फिर साइड, जो कुछ भी नाप है, नाप होता है वो बिल्कुल सही सही चाहिए। एक बाल, एक दो बाल बराबर भी थोड़ा फर्क आएगा तो अंदर बहुत सारे मिस्टेक आएंगे आपको, तो हमेशा ध्यान रखना नाप सही सही चाहिए, एंगल साइड वगैरह सब कुछ। यहाँ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन रेगुलर कार्विंग ऑन स्टोन, कार्विंग ऑन स्टोन यानी कि पत्थर पे कोतर कर, पत्थर पे नक्काशी किया हुआ मतलब। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन सामने वाले पेज पर ड्रॉ करना है। वहाँ यहाँ ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझाया है, 1 2 3 4 स्टेप है, और इसके बाद फिफ्थ स्टेप वो फाइनल। आप बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे पहले, उसके अंदर बिल्कुल यहाँ पे सॉरी एक स्क्वायर बनेगा, फिर एक और छोटा स्क्वायर बनेगा, फिर क्रॉस हो जाएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करनी है इतने में ही, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मतलब इतने में ही लाइन ड्रॉ करनी हो गया। स्टेप वन, स्टेप टू, इस तरह से स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में 1 सेंटीमीटर का गैप रखकर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप रखकर इस लाइन को बाद में रब करना होगा, ठीक है, बाद में 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, आधा सेंटीमीटर यहाँ पर, आधा सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी आधा इस लाइन से आधा सेंटीमीटर गैप छोड़कर, यहाँ भी आधा सेंटीमीटर का गैप छोड़कर लाइन ड्रॉ करेंगे बराबर। फिर ऊपर इस तरह से मेजरमेंट लेकर ये बनाने हैं, रेक्टेंगल थोड़ा कट हो गया है, फिर आगे आगे फिर कुछ लाइनिंग्स रब करनी है, फिर स्टेप फोर पे पहुंचना है। नाउ पेज नंबर 37 पे बनाना है आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन रेगुलर, प्रिपेयर अ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन रेगुलर ऑन 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन टॉपिक कार्विंग ऑन अ स्टोन एंड पेंट इट विथ वाटर कलर्स। ठीक है, आप 20 बाय 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पर 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, बिल्कुल माप बराबर, साइड एंगल सब कुछ बराबर होना चाहिए, वरना फिर नाप में कुछ भी ज़रा सी गलती हुई, आगे चलकर अंदर जो शेप बनाएंगे लाइनिंग सब गलत सलत नाप बताएगा, गलती होगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 18 बाय 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया, थोड़ा छोटा इससे। बनाने के बाद अगर ये मैंने ये 18 सेंटीमीटर की लंबाई रखी है तो यहाँ उसका हाफ कितना होता है, 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डॉट रख दिया 9 पे, वैसे यहाँ पर भी मिला के फिर 9 यहाँ पे डॉट रख दिया,
यहाँ पे भी 9 पे डॉट रख दिया, यहाँ पे भी ऐसे बराबर। उसके बाद वो डॉट रख, डॉट डॉट को ज्वाइन करना है ऐसे, हमने जो डॉट रखा ना अभी उसे, ये और ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनने के बाद यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर का गैप रखकर 3 यहाँ पे डॉट रखा, वैसे यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे डॉट रख दिया, फिर ऊपर से भी ये यहाँ पे डॉट रख दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का गैप रखकर डॉट, फिर उस डॉट को ज्वाइन किया, ये 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 बराबर। उसके बाद मैंने कहा आपको हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़कर, गैप रखकर यहाँ पर ये डॉट रखना है, हीरा इस तरह से वैसे यहाँ भी और यहाँ भी। फिर हम उन लाइंस को ज्वाइन करेंगे और उन डॉट्स को इस तरह से जोड़ेंगे, फिर अंदर ये बड़ा स्क्वायर दिखता था, ये अब छोटा स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। ये जो लाइन है बाद में, ये हमने पहले वो रब करना है बाद में, फिर उसके बाद यहाँ से वो 1 सेंटीमीटर ऐसे डॉट रख देंगे, यहाँ भी फिर यहाँ भी, ठीक है। ये वाला कौन सा आया, ये और ये पोर्शन आया, बाकी का भी इसी तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे एक साइड का ही बताता हूँ मैं, वन एंड हाफ सेंटीमीटर की चौड़ाई रखनी है, ओके।
ऐसे इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, फिर जो वधारे की लाइनिंग है ये वो सब बाद में रब कर देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, यहाँ पर बताया है उसको फॉलो करना है, बन जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, ये भी ध्यान रखना है मुझे कि इसके बाद थ्री है पूरा करके, और फिर जो वधारे की लाइन थी वो रब कर देना है। जैसे कि ये रब होगा, ये 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 वगैरह वगैरह, ये है ये है ये ये, ये सब रब करना है। बाद पूरा बन जाएगा, उसके बाद फिर कलर करोगे। बैकग्राउंड को कोई लाइट कलर देना, बैकग्राउंड यानी कि ये रहा ये बैकग्राउंड, उसके आगे जो जो भी है वो थोड़ा थोड़ा डार्क, ये मीडियम डार्क, फिर ये बिल्कुल डार्क, तो फबेगा जचेगा उभरेगा, मतलब देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको करके मुझे 2-4 दिन में सेंड करना है। ओके, पेज नंबर 36 पेज से देखकर 37 में कार्विंग ऑन स्टोन आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाना है, कलर करना है, पोस्टर कलर। आउटलाइन के लिए आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। ओके, मुझे 2-4 दिन में सेंड कर देना। चलो बाय। इसके बाद ये प्रैक्टिकल हो, इसके बाद थियोरी करना मैं भेजता हूँ।